देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बुधवार को 48,415 नए मरीजों की पहचान हुई। 61,495 मरीज ठीक हो गए और 990 लोगों ने जान गंवाई। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का विवाद कम होता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं तो दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर से लंच डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। अमरिंदर सिंह ने हिंदू नेताओं और पूर्व विधायकों को लंच पर बुलाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को डिजिटल इंडिया स्कीम के 6 साल पूरे होने पर इसके लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक सबकी पहुंच, कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए वो आज पूरी दुनिया में चर्चा और आकर्षण का विषय है। गुलशन कुमार की हत्या के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी अब्दुल्ला रऊफ की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने रऊफ की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है क्योंकि वह पहले भी पैरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया। नई कीमत 1 जुलाई यानी आज से ही लागू हो गई है। कंपनी ने सभी मिल्क प्रोडक्ट्स में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन का संकट बढ़ता जा रहा है। लगातार 6ठे दिन वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पाई। अब आलम यह है कि आज से शुरू होने वाला मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन भी रद्द हो गया। आज से हर रोज 12 लाख डोज लगाने की तैयारी थी। छत्तीसगढ़ में एसीबी की टीम ने अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक जीपी सिंह के 10 ठिकानों पर छापा मारा। एडीजी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया। मुलायम सिंह यादव को बेचैनी की शिकायत हुई थी। अस्पताल में उनकी कई जांच हुई। डॉक्टर ने स्थिति सामान्य होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में लश्कर ए तैयबा के 2 कथित आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। आतंकी पटरी पर दौड़ते ट्रेन में ब्लास्ट करना चाहते थे। ये साजिश पाकिस्तान में बैठे लश्कर आतंकियों ने रची थी। कोरोना नियम तोड़ने पर दिल्ली में लक्ष्मी नगर में मार्केट सहित कुछ मार्केट को 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के नियमों के लगातार उल्लंघन के बाद ये आदेश दिए हैं।